आज हम सुनेंगे कहानी चंडाल की, जो कि मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट था। ये मिथुन दा की 1998 में रिलीज 17 फिल्मों में से एक थी। भले ही ये 16 फिल्में कतई बकैती बी ग्रेड फिल्म्स थी, पर उस साल मिथुन दा की एक और मूवी रिलीज हुई थी, स्वामी विवेकानंद, जिसमें मिथुन दा ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का रोल किया था और जिनके लिए उन्हें अपनी लाइफ का तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और ये चीज बताती है कि मिथुन दा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है बॉलीवुड के, जिनकी रेंज कोई नहीं पकड़ सकता। मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने आने वाले फिल्मों के नाम भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे बार बार देख सको। बाय। मैं शाहरुख खान। ओ किरण, तुम कैसी हो किरण? खैर, मिथुन दा को सल्यूट करते हैं, लेकिन चंडाल का पांडाल फाड़ते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में फटी जूते की थूत वाला ये प्राणी खली की काली मूली के बाल सर पे लगाए काली शाही से आईब्रो बना के बिल्ली बानो के पास आता है, जहां बिल्ली बानो की लैंडलाइन पे फोन आता है और जिसकी परछाई देख के ऐसा लगता है कि भाई ने फोन नहीं डिल्डो विद स्प्रिंग रोल मुंह में ले रखा है। और पता चलता है कि ये भाई कोई और नहीं अपने मिथुन दा है। और ये आते से ही बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करके इसकी गुथाई कर देते हैं। और फिर कुर्सी पर बैठने की बजाय गोदाम गरम उठा के चौकड़ी मार लेते हैं। हाँ? और गुंडे को सोफे पे बिठा के मेज पे घूमर करने लगते हैं। और गुंडे की गुलगुलाती गोंद को सीढ़ियों पे तोड़ देते हैं। आमतौर पे लोग सीढ़ियों से खींच के नीचे लाते हैं, पर भाई साहब गुंडे को नीचे से ऊपर धकेल देते हैं और फिर इस गुदा छाप गुंडे को उठा के थाने ले जाते हैं। मैं इंद्रजीत से दरखास्त करता हूँ कि आकर अपना 5 लाख रुपए का इनाम कबूल करें। ये इंस्पेक्टर इंद्रजीत है और ये इनाम में मिले 5 लाख दान कर देते हैं, क्योंकि लोगों के भरोसे का नाम है पुलिस। इसे बड़े किसी दूसरे तगमे की हमें जरूरत नहीं। तगमे की? अरे भाई साहब, वो तमगा होता है। उपसी, मैंने आपको गिरफ्तार किया। और कट्टू अगले ही सीन में कैमरामैन की चक्राती गुदा हमें दिखाती है चक्र बढ़ती इन जेल विद लॉन्ग हेयर एंड हल्की दाढ़ी मूछ की लेयर। ये कब हुआ? तो इन्हें जेल कम होटल से अदालत लाया जाता है, जहां भिंडी बाजार में सब्जी बेच के सब लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं। मुझे में सबूत है, गवाह है, बयान, ये तो मर्डर है। और वहीं आती है इंद्रजीत से 20 साल छोटी स्नेहा, जो पत्रकार है और इसे चौकर बोर्ती से प्यार है। दिल की बात है, दिल तक पहुंच ही जाएगी एक ना एक दिन। यहाँ मिथुन दा अपनी इमोशनल स्पीच जज की गोदाम में फिट करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम ने मुझे गुनहगार मारकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देश मान? और जज की जजमेंटल गुदा नहीं पसीजती। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? और इन्हें मौत की सजा मिलती है। इधर मिथुन को देख के स्नेहा का मैथुन जाग जाता है और वो उसे बोल के पर्पल कलर की बिल्ली के पास से लाल सिंदूर निकाल के मांग में लगा के स्वप्न दोष में मिथुन के साथ मैथुनी गाने पे डांस करती है। और अगले दिन इंस्पेक्टर सुयोधन से गुड आफ्टरनून सर, मुझे इंद्रजीत के केस की फाइल चाहिए। मैं हैव आइडेंटिटी। माय नेम इज स्नेहा, आई एम अ प्रेस रिपोर्टर। मैंने आपको गिरफ्तार किया। फाइल लेके उसमें क्या पता क्या कलाकारी करके नकली राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, जो हाथों हाथ इंद्रजीत को रिहा करवा देता है। इंद्रजीत, आज तुमको रिहा किया जाता है। और इंद्रजीत लाहौर के पास जाके चाकू मांगता है। एक चाकू देना। जो नशे की भिन्नाटी में आधी तलवार बना के पूरे 1000 रुपए ले लेता है। ये लो भले आदमी, चाकू की कीमत तो देते जाओ। कितने पैसे? 1000 रुपया। और इंद्रजीत होटल में जाके एक चबूतरे को मार देता है। नो 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 नो। और फिर खंडर जैसे घर में पहुंचता है, जो शमशान जैसा दिखता है। और कुएं में मुंह डाल के खड़ा होता है कि चकर गश्ती आके इसके उंगली कर देती है। डर गई, डर गई, डर गई।
और हमेशा की तरह मिथुन दा दिखाते हैं अपना फ्लैशबैक, जहां ये अपनी 10 साल छोटी माँ गोविल, 25 साल छोटी बहन चिनॉय और एक महीने बड़े बाप गिल के साथ रहते हैं। भाईजान आप ही बताइए इनका क्या उम्र होगा? 40 साल हो गए। क्या रात में जब ये पुलिस स्टेशन में होता है तो खबरी डिप्टी होम मिनिस्टर पे हमले की खबर लाता है और मारा जाता है। और एंट्री होती है दूल्हे की ड्रेस में नारियल की शक्ल के दो कूलों वाले फूले हुए काले भटूरे की, एक इसके पजामे के अंदर है और दूसरा पगड़ी के नीचे। ये दरियाई गंज का दरियाई घोड़ा अपनी ही बारात से पैसे लूट के आया है। थूत और नियत ऐसी है चपड़गंजे की कि देख के एक बार को तो भिखारी भी अपना कटोरा छुपा ले। पैदा होते से ही इसका आज तक पता नहीं चला कि सीधा कहाँ से और उल्टा कहाँ से। तो ये आते से ही अपनी थूत का कुल्ला खोल के इंद्रजीत से बतौलों के कुल्ले करने लग जाता है। कल डिप्टी होम मिनिस्टर मारा जाएगा। क्यों मरेगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, अगर हो सके तो बचा लेना, मगर मेरी डेरी में तो मर चुका है, कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल। और अगले दिन इंद्रजीत शपथ का बीजीएम लगा के पूरी फोर्स को मिनिस्टर के लिए लगा देता है। होशियार रहना और तुम भी। और आईजी इसे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पास जाने बोलता है जो चुप। अरे मेरा मतलब है जूतों की दुकान का उद्घाटन करने वाला है। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आज एक जूते की दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। एक जूते की दुकान का उद्घाटन, मैं वहीं जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चल चल। और जला हुआ काला भटूरा काली शेरवानी में अपने चबूतरों के साथ हॉस्पिटल में आके मिनिस्टर की भाप निकाल देता है। और भगने की बजाय मिथुन से मुंह चौधरी करने लगता है। मर्डर हमने किया मगर कानून तेरे बयान को इकबाल जरूर नहीं मानेगा। तो इंद्रजीत इसकी मेरा मतलब है गला दबा देता है। पर आईजी को देख के सब ऐसे हट जाते हैं जैसे टीचर को देख के हरामी बालक। बेकार की बात मत करो इंस्पेक्टर, शरीफ लोगों को तंग करके जनता की नजर में पुलिस की छवि मत बिगाड़ो। राय साहब आई एम सॉरी, आप जाइए। इधर देशद्रोही दादा इंद्रजीत की शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टाइट टीन येलो टॉप विद लॉन्ग शूज आती है, जिसे देख के अच्छा लगता है जब तक इसकी आवाज न सुन लो। मैं गीता हूँ, मैं इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे अपने घर ले चले, अपने माँ बाप से मिलवाए। अरे मदर जात। तो ये इंद्रजीत की 28 साल छोटी गर्लफ्रेंड है जिसे छुपा के इंद्रजीत के मजे लेने लगते हैं। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो हमारी बहू बनने के लायक है और तुम्हें शादी उसी से करनी होगी। शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। और एक बार लड़की को देखोगे तो देखते रह जाओगे। और जैसे ही टाइट टीन को बाहर निकालते हैं इंद्रजीत की इंद्री शिथिल हो जाती है और ये अंडे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली है बस डायनासोर के अंडे। अरे मेरा मतलब है इंद्रजीत के साथ साइकिल वर्कशॉप के सामने बारातियों के बगल में अपनी टाइट टीन बम हिला के भाग लेती है। इधर काले भटूरे का बेटा गोलूमल भौसड़ कैसेट कंपनी के मालिक रतन कुमार को मार देता है, जिसकी वैन का नंबर इंद्रजीत को पता चल जाता है। मारुति गाड़ी का नंबर MHS 1010। और इस गोलूमल को उठा के जा ही रहा होता है कि काला भटूरा आके इस पे अटैक कर देता है। लेकिन इस गुथाई में गोलूमल के गुलगुले फट जाते हैं और इंद्रजीत काले भटूरे का एक हाथ काट देता है। रात में इंद्रजीत अपनी बहन को एक चिलगोजे के साथ चोच से चोच लड़ाते देख के शादी फिक्स करने के लिए बोलता है। एक काम करो, कल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ और मेरी बहन से मंगनी कर लो। ओके सर। और अगले दिन काला भटूरा आ जाता है। तुमने ये तो कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं, आने वाले थे, शायद कहीं देर हो गई। और पता चलता है कि ये चिलगोजा इसी का नाजायज छोला है। सुनो ये मेरा जायज बेटा है और ये इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। चले जाओ यहाँ से, ये शादी नहीं हो सकती। और घुंघरालू झाड़ी लाल टाइट टीन को ढीला कर देता है और मिथुन के सर पे गमला बजा के माँ बहन बाप को कुएं पे लटका देता है। जहाँ रस्सी टूटते ही तीनों कुएं में गिर जाते हैं और मिथुन भी कुएं के गंदे पानी में कूद के स्विमिंग पूल के साफ पानी में बचाने की कोशिश करता है पर नहीं बचा पाता। और तीनों को उठा के ऊपर लाता है जहाँ कायदे से पहले इनको रखता फिर ये बैठ पाता, पर ये पहले बैठ जाता है और ये अपने आप परफेक्ट जगह पे अपना सर गिरा देते हैं। लेकिन एक
सेकंड। जब यहाँ कुएं में सीढ़ियाँ थी तो ये भोंदू लोग भी तो आ सकते थे ऊपर। मिथुन को तो बस रस्सी खोलनी थी और ये तो उनके बाई घोटे का काम था। खैर, और भैंसे की नस्ल का काला भटूरा पुलिस बुला के इसे पकड़वा देता है। फ्लैशबैक से वापस आते से ही स्नेहा इसके लिए खाना लेने चली जाती है और तभी चचा चंडाल आके इसे बताते हैं, तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहाँ जलाए जाते हैं। मैं मुर्दा जला कर आता हूँ चचा, आज से ये काम मेरा है। और इंद्रजीत काला पेटी कोट पहन के गांडाल, अरे मेरा मतलब है चंडाल, बन जाता है। तो काला भटूरा अपना उधड़ा हुआ काला अंडा इसे मारने के लिए भेजता है, पर चंडाल चक्री बना के इनको चकर गस्ती बना देता है। एक थप्पड़ में चार चोंदरों को पेल देता है, दो की कैंची खोल देता है और काले अंडे की भुजिया बना के चंडाल चौकड़ी को भगा देता है। और काले भटूरे की कढ़ाई में जाके हग्गन हलवाई को धमकी देता है। क्या टाइम हो रहा है? 5 बजे। कल इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। 24 घंटे तक मौत का स्वाद लेते रहो। और शेरिफ के स्टैंड पे बदमाश हग्गन हलवाई भट्टी में दारू धकेल रहा होता है कि तभी स्नेहा बिल्ली के सपने दिखा के इस चूहे को बाहर निकाल के एस टीम में ले जाती है। और मारुति एस टीम में BMW का लोगो और मिथुन को देख के इसकी सेल्फ एस्टीम मर जाती है। भूल गया कि आज तेरे साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। और चंडाल इसे दारू पिलाता है। फिर 2 मिनट की सुताई के बाद आज तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत। गुदा से खड़खड़ाते हुए तलवार निकालता ही है। इंस्पेक्टर सुयोधन वहाँ आके हग्गन हलवाई को भगा देता है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। अब काला पांडा शमशान आता है जहाँ सेक्युलर चंडाल कब्र खोद रहा होता है और आके इसके बिना हाथ की उंगली करता है तो चंडाल इसका पांडाल उधेड़ देता है। क्यों चंडाल, तेरी घड़ी में तो 5 बज गए होंगे, तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? जैक अभी तक मर चुका होगा, उसकी दारू में हमने जहर मिला दिया था। क्या जैक मर गया? और रात में स्नेहा खाना लेके चचा से पूछती है, इंद्र कहाँ है? और सीधे सीधे जवाब ना देके चचा इससे बातें खोदने लगते हैं। कब्र खोद रहा है। किसके लिए? मुर्दों के लिए। मुर्दे किधर हैं? मुर्दे अभी जिंदा होंगे, कब्र तैयार होने के बाद वो मुर्दों को भी खोजेगा। और मिथुन खाना खा के लंबे जूतों के साथ ही सो जाता है, पुराना शौक है। और इसकी सेल्फ मेड वुमन स्नेहा इसका जूटा बचा खाना खा के एक और स्वप्न दोष लेके मिथुन के साथ हवस का नंगा नाच करती है। अब अगले दिन अखबार में मिथुन की खबर देख के काला भटूरा झाड़ी लाल और टिटू टार्जन के साथ एडिटर को मार देता है, जिसका वीडियो हाथों हाथ स्नेहा रिकॉर्ड करके भगती है और किसी घर में कैसे छुपा के भागी रही होती है, पर टिटू टार्जन और झाड़ी लाल इसे थपड़िया के कैमरा लेके भग जाते हैं और पता चलता है कि ये सुयोधन का घर है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। वहाँ काला भटूरा गरम हो जाता है कि झोपड़ी के ये तो खाली कैमरा है, तो टिटू टार्जन वापस उस घर में कैसेट ढूंढने जाता है, पर सविता भाभी को देख के टार्जन का टिटू खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अलमारी में छुपा भाभी के नजारे ले रहा चंडाल बाहर आके इसके टिटू का टेटुआ दबा देता है और जब ये भगता है तो लठ मार के इसे पेड़ में फंसा देता है और गुदा से चाकू निकाल के टिटू का टार्जन काट देता है और तलवार वापस गोदाम से भींच लेता है, पर तभी सुयोधन उसे धप्पा कर देता है। मैंने आपको गिरफ्तार किया। इल्जाम आपके सामने है। कोई गवाह? मैं खुद। चार्ज लगाने वाला गवाह नहीं हो सकता। अबे देख ले, टीटू का टार्जन कटा हुआ है, इसके गोदाम की तलाश ले ले, हथियार मिल जाएगा। लेकिन नहीं, दूसरा गवाह मेरी बीवी बनेगी। सविता, तुमने खून होते देखा ना? हाँ, मैंने खून होते देखा है। खून इन्होंने किया ना? नहीं, खूनी तो कानून की पहुंच से बाहर जा चुका है। अब ये हॉस्पिटल स्नेहा से मिलने जाता है जहाँ इसके हाथ लगाते से ही स्नेहा का ऑर्गेजम हो जाता है और चादर मोदी फिर एक और स्वप्न दोषी गाने में पंजाबी डांस निकाल देती है। चन्ना केड़ा पास हो गया, चन्ना केड़ा पास हो गया, चन्ने ने केड़ा फटे चकते। अब इसकी सहेली गुनगुनी आके इससे बकलोली पेल ही रही होती है कि मुंह पे मूछ रख के नर्स भटूरे को बंदी के बारे में बता देती है, जिसे गुनगुनी सुन लेती है। हेलो राय साहब, वो लड़की होश में आती है और अपनी सहेली से बातें कर रही है। ठीक है, ओके सर। और भटूरा अपने लाल टमाटरों को उसे उठाने भेजता है, पर इसमें लैन की बॉडी गुनगुनी निकलती है।
अबे भौंदी, अपनी सहेली को वहाँ से हटा दिया तो तू क्या यहाँ अपनी माँ, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो स्नेहा सुयोधन को कैसेट दिखाती है और ये काले भटूरे को धप्पा कर दे जाता है। मैंने तुम दोनों का रेस्ट किया। और जब वापस नहीं आता तो चांडाल भटूरे की कढ़ाई में चेक करने जाता है, लेकिन ये फिर मिथुन के सर पे गुम्मा बजा के स्विमिंग पूल में लटका देते हैं, जहाँ इसे सुयोधन की लाश सांस रोके पानी में दिखती है। और ये रस्सी खोल के गीली गोदाम से सूखी पिस्तौल निकाल के लाल टमाटरों के बीज निकाल देता है और स्विमिंग पूल से सीधा फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ झाड़ीलाल और भटूरा इस पे फूलने लगते हैं। पर मिथुन एक मुक्के में डबल मजा देके गोदाम से तलवार निकालता है तो ये दोनों भग के छत पे चढ़ जाते हैं, जहाँ ये दोनों चबूतरे भग रहे हैं और उनके पीछे मिथुन तलवार चमका के, और इधर ये लाल टमाटर मशीन गन लेकर और ऊपर भग रहे हैं, मगर किस लिए? अरे मदर चा, 40-50 चौंदले मशीन गन से मिथुन की मैथनी गुदा का एक बाल तक नहीं छील पा रहे। और तभी मिथुन इनके बीच में आके आड़ी टेढ़ी तलवार चला के सब टमाटरों के छिलके उधेड़ देता है। और आखिर मिथुन से टक्कर लेने के लिए ये मशीन गन छोड़ के तलवार ले आते हैं, जिसे देख के चांडाल अपनी काली गोदाम में स्प्रिंग लगा के उड़ता है और थोड़ी देर इनकी तलवार से अपनी तलवार लड़ा के इन्हें झड़ा देता है। और तभी भटूरा और झाड़ीलाल इस पे अटैक करते हैं और ये इनके साथ गुत्थम गुत्था पिलम पिल हो जाता है। और तभी 8-10 लाल चबूते गुदा भीज के उड़ने लगते हैं और मिथुन हवा में अपनी मैथुनी लात चलाने लगता है। अरे चचा, लात नीचे रख लो, जूता डाल के उड़ते हुए चमगादड़ों की गोंद की गहराई चेक करोगे क्या? बैंकॉक मौत मचा रखी है, इनके यूरेनस में जुपिटर। और ये इस पिशाच के पेट में तलवार घुसाई तो भाई गिरने के बजाय उड़ के दीवार पे बैटमैन बनने चला गया चादर मोद। और फिर चंडाल तलवार पेटीकोट में डाल के साफ करने लगता है। भाई साहब, तलवार जरा सी ऊपर हो गई ना, आपके नक्शे से दो अंडेमान गायब हो जाएंगे और निक्का बार कटेगा वो अलग। तो ये दोनों चिलगोजों को तलवार की मुट्ठ मारता है और ये 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री की छत से इसके घर के कुएं के पास झड़ जाते हैं, जहां ये ओवरवेट झाड़ीलाल अपने साथ काले भटूरे की कढ़ाई को लेके कुएं में गिर जाता है और काली मैक्सी में चांडाल का बदला और ये पिचर पिचर दोनों खत्म होती है। इसकी 5 इंपॉर्टेंट निशानियां होती हैं। उसे हर वक्त पसीना आता रहता है, हमेशा होंठ चबाकर बात करता है, उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, यूं खुली रहती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है।